2020 का ये पहला संडे है और ये संडे हम सब के लिए एक सौगात लेकर आया है। सौगात इसलिए क्योंकि हमारे श्रोतागण ज्यादातर ये बोलते हैं कि भाई उनके अपने चहेते डॉक्टर, जी हाँ ठीक समझ रहे हैं आप, आपके अपने चहेते डॉक्टर डॉक्टर उमंग खन्ना जी को इस साल की शुरुआत में भी लेकर आए। तो देखिए हमारे श्रोतागण की फरमाइश सिर आंखों पर और उनके लिए ही हम सब के लिए ही ये नए साल का पहला इतवार पहला संडे हम अपने सभी श्रोतागण के लिए ही लेकर आए हैं, जिसमें आपके अपने चहेते डॉक्टर डॉक्टर उमंग खन्ना हमारे साथ हैं। तो दोस्तों अगर आपको या आपसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को सेहत से संबंधित कोई परेशानी है और अगर आप खुद कोई जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नंबर मिला सकते हैं। नंबर है 0522411-3351 और आपके अपने चहेते डॉक्टर डॉक्टर उमंग खन्ना जी से बात कर सकते हैं। जो श्रोता हमारे साथ पहली बार जुड़ने जा रहे हैं हम उनको बता दें कि डॉक्टर उमंग खन्ना, हालांकि हमारे पूरे लखनऊ में इनका नाम ही काफी है, ये ना सिर्फ एक बहुत बड़े होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, साथ ही साथ समाज के भी उत्थान करने वाले हैं, सामाजिक सुधारक हैं और समाज में लोगों में इनका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये हमेशा कि समाज के किसी भी तबके को कभी भी जरूरत हो तो बस एक नाम वो याद रख सकते हैं, डॉक्टर उमंग खन्ना। और डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारे साथ ये जो नववर्ष 2020 का पहला इतवार जो आप हमें दे रहे हैं उसके लिए सर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, आदरणीय श्री गांधी जी के, कि वो हर साल का पहला जो इतवार होता है वो हमको दे देते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय गांधी जी के कि वो इतना वैल्यू वाला, अभी मैं आपके स्कूल आ रहा था स्टूडियो के लिए तो देखा बाहर मंत्र बज रहे हैं, कोई गुरुजी आए हुए हैं और तमाम स्टाफ और गार्जियंस आए हुए हैं और वहाँ यहाँ पर ओम और सरस्वती मंत्र का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसी वैल्यूज ही मुझे यहाँ खींचे आती हैं और मैं तमाम अपने CMS के स्टाफ, CMS के पदाधिकारी, CMS के गार्जियंस और CMS के बच्चे सबका मैं अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष के लिए आपके जीवन में और ज्यादा फलीभूत हो इसकी दिल से शुभकामना देता हूं। नव वर्ष शुभ इसलिए एक तरह से हो सकता है कि अगर हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहेगा तो खुश रहेगा, अगर वो व्यक्ति और उसके साथ जो जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति भी अगर स्वस्थ हो, पर स्वस्थ रहने का जो मूल मंत्र है वो आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ठंड का मौसम है ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, अब सर्दी खांसी कफ आंखें जुड़ जाना और बहुत बहुत तरीके की समस्या होती है। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कौन कौन सी परेशानी, जिससे कि हमारे श्रोतागण उससे रिलेट कर पाए कि हाँ ये परेशानी तो हमें भी है। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी इस वक्त परेशानी वाकई में लोगों को होती है। सबसे बड़ी परेशानी जो आम श्रोता अपने साथ जोड़ सकेगा वो कहेगा सर्दी और जुकाम और बुखार, सर्दी जुकाम बुखार जी, यही तीन परेशानियां हैं आपको। और इसमें जो आपका बुखार वाला फैक्टर है वही आपकी परेशानी बताने का सबसे बढ़िया सूचक है जी। क्योंकि जब फीवर आता है तो आप व्यक्ति फीवर का कारण तलाशता है और जब उसका कारण तलाशता है तो उसके इलाज तक पहुंच जाता है। तो अगर आपके फीवर आ रहा है तो आप पहले सावधान हो जाएं, उसको आप कैटेगराइज कर लें कि कौन सा बुखार आपको हो सकता है। मैं कुछ जिक्र करता हूं कुछ सिम्टम्स का, आप लोग अपने में अगर किसी हमारे श्रोतागण को बुखार हो या परिवार में हो तो उसको जोड़ सकता है। सबसे पहली चीज हो गई वायरल फीवर। वायरल फीवर एक बहुत ही कॉमन फीवर है, 4-5 दिन के लिए आता है, थोड़ी तकलीफ आपको देता है, बॉडी एक होता है और फीवर बना रहता है जी। अगर लगातार आपके फीवर बना है और साथ में आपको नजला जुकाम है तो समझ लीजिए आपको वायरल फीवर है। वायरल फीवर आप कुछ करें प्रयास या ना करें 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा जी। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड इस मौसम में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ, टाइफाइड बहुत फैला है, चिकन पॉक्स मीजल्स बहुत फैला हुआ है, जबकि एक वक्त था जब कभी इतने विंटर्स में नहीं आता था, लेकिन हम अपने क्लिनिक पर देखते हैं बहुत मरीज आ रहे हैं। तो टाइफाइड अगर आपको है तो वो इस स्थिति में बुखार होगा कि बुखार आपको शाम को आता हो, सुबह 10-11 बजे तक रहता हो और 11 बजे के बाद उतर जाता हो जी। फीवर आपका बहुत तेज होता हो,
103-104 डिग्री तक होता हो, 103-104 डिग्री तक होता हो और आपके पसीने में बदबू बहुत होती हो जी, तो अगर यह सिम्टम आप में हो तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करा लें IgG IgE, आपको पता लग जाएगा विडाल टेस्ट से कि आपको टाइफाइड है कि नहीं, और अगर है तो कुशल चिकित्सक से तुरंत मिले जी। फिर आता है डेंगू का फीवर, डेंगू जी, इस समय हालांकि डेंगू नहीं है लेकिन आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है जी। हो सकता है हमारे कुछ साउथ में रहने वाले लोग हों, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा मौसम ठंडा है अभी, डेंगू का मच्छर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साउथ के लोग या वहाँ के लोग यहाँ पे होंगे और कभी उनके परिवार में वहाँ पे लोग रहते होंगे तो उनको निश्चित तौर पे हो सकता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है जी। तो डेंगू का फीवर बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, लगातार बना रहता है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है और खास बात होती है आँख के सॉकेट, आईबॉल के सॉकेट के पीछे पेन होता है जी। इस तरह का अगर फीवर आपको हो तो वो डेंगू फीवर हो सकता है, आप तुरंत चिकित्सक से मिलें। तो इस तरह आप अपने बुखार को कैटेगराइज कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं अपने को। उसके बाद आता है सर्दी जुकाम, अगर बुखार नहीं भी है तो आजकल के मौसम का जो ये सर्दी जुकाम है ना बहुत जिद्दी हो गया है। पहले होता था कि हाँ नाक सुरसुर होती थी, गला बैठ जाता था, अब ये बहुत ज़्यादा जिद हो गया है, अंदर की तरफ वो अप जकड़ के रख देता है, कभी कान बंद, कभी आंखों से वहाँ लगातार पानी गिरना, कभी मतलब बलगम निकलते भी नहीं है, इस टाइप की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, क्योंकि पिछले सप्ताह भी जो प्रश्न आए थे ज़्यादातर इसी से रिलेटेड आए थे, हालांकि उनको वाजिब उत्तर नहीं मिला था, तो जिन श्रोताओं ने पिछली बार क्वेश्चन किया था तो हो सकता है उनको मिल जाए। आपने बहुत सही बात उठाई मैडम, ये जिद्दी हो गया है, जिद्दी सेंस में हो गया है, ये आपकी एक भावना निकल के आ रही है जुकाम को लेकर, क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी, हम लोग जब भी जुकाम होता है हाई एंटीबायोटिक्स और हाई एंटीवायरल से उसको सप्रेस करते जाते हैं और हमारा बॉडी और ज़्यादा इम्यून उन ड्रग्स का होता जाता है और वो चीज़ को ख़त्म करने में और दिक्कत होती जाती है जी। तो अगर किसी को जुकाम है तो एक कॉलर जोड़ रहे हैं, चलिए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए। अच्छा जी, अपना प्रश्न कीजिए और स्वागत है, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको जी, और डॉक्टर उमंग खन्ना जी हैं, उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? ठंड से बचना चाहिए, और क्या ठंड से बचना चाहिए, और क्या सब ठंड चली गई तो सब कुछ ठीक हो सकता है? नहीं, इसमें वैसे ठंड से आपको बचना चाहिए और अपने शरीर को अंदर से इतना मजबूत करना चाहिए, इम्यूनिटी इतनी डेवलप करनी चाहिए कि आपके जुकाम हो ना। बिल्कुल, मतलब आप जुकाम जाने का, आप सर्दी जाने का इंतजार क्यों करें? आप अपने शरीर को इतना मजबूत कर लें कि सर्दी में ही आप आनंद लें, सर्दी का मौसम भी एक आनंद है। आप सोचिए कि एक महीने बाद फिर इतनी गर्मी पड़ने लगेगी कि 6 महीने 7 महीना त्राही त्राही गर्मी से मच जाएगी। बिल्कुल, तो आप हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें अपने तमाम श्रोताओं को कि वो सर्दी में जुकाम से, जो भी मैडम ने सवाल उठाया था जुकाम का, इन्फ्लुएंजा का, तो जो है उससे कैसे बचें। आप अपने बॉडी को इम्यून करें, और बॉडी इम्यून करने का हम आपको एक बड़ा अचूक नुस्खा अपने श्रोताओं को। कॉलर जोड़ रहे हैं जी। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, और नववर्ष के पहले इतवार में आपसे बात हो रही है, इसीलिए आपको हैप्पी न्यू ईयर जी। आपको भी, और डॉक्टर साहब कौन से आए हुए हैं? आपको हमारा प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं जी? निधि, परसों से हमें आपके प्रोग्राम सुनने को ही नहीं मिल रहे, प्रसारण ही नहीं आ रहा है हमारे साइड। अच्छा, डॉक्टर उमंग खन्ना आपके अपने चहेते डॉक्टर उमंग खन्ना जी हैं जी, तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और नौ वर्ष की शुभकामनाएं भी उन्हें। महेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद नव वर्ष का, आने वाला वर्ष आपका अच्छा हो जी। जी।
जी आपका भी, हमारे डॉक्टर साहब का भी नवर्स अच्छा हो, ताकि वो हम श्रोताओं के लिए जानकारियाँ लाते रहें और देते रहें। जी और क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर उमंग खन्ना जी को? कहीं और नहीं, मेरी काटिएगा क्योंकि हमें मोबाइल पे ही जवाब सुनने हैं। अच्छा मैं नहीं फोन काटूंगी आप, हाँ बिल्कुल ठीक है बताइए। जी हमें 3-4 प्रश्न करने हैं, तो पहला प्रश्न हम ये करते हैं डॉक्टर साहब से जी, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही होती है, जैसे कि 6-7 साल के हो गए हैं फिर भी उनकी हाइट नहीं बढ़ती, तो इसके विषय में डॉक्टर साहब का कुछ कहना हो तो हमें जरूर बताएं। ठीक है पहला प्रश्न का उत्तर पहले हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इसमें दो बातें हैं, पहले तो आप उस बच्चे के ये देख लें कि गले में कोई गिल्टियां तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। अगर गिल्टियां हैं तो आप एक डॉक्टर से तुरंत एक बार मिलके प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करा लें। उसके बाद अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रही है तो हम आपको एक बहुत अचूक दवा बता रहे हैं, दवा का नाम है ब्राइटा कार्बोनिकम, या होम्योपैथी की दवा है ब्राइटा कार्ब, या 30 पावर में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर आपके बच्चे की दिमागी तौर पे भी स्तर बढ़ने लगा और उसकी हाइट भी बढ़ने लगी। दूसरी बात पे आ जाते हैं, घरेलू नुस्खे पे, आप दूध बच्चे को पिलाएं और दूध में आप क्या करें, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना, वो चूना जो 5 रुपए की डिबिया पान की दुकान पे मिलती है, लोटे में जो पान बनाने वाले हैं वो लोटे में चूना रखे रहते हैं, उसको आप गेहूं के दाने के बराबर चूना, यानी बहुत जरा सा चूना, वह दूध में डाल के बच्चे को रोज पिलाएं, आप देखेंगे कि उसकी हाइट बहुत बढ़ने लगी और जो आप चाहते हैं वैसे ही उसकी हाइट और उसका जो ग्रोथ है वह हो गई। जी अब दूसरा प्रश्न। जी दूसरा प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो 16 या 18 साल के हो गए हैं लेकिन उनकी भी हाइट कोई विशेष तौर पर नहीं बड़ी इतनी बड़ी, जैसे कि 12-13 साल की उम्र हो इतनी हाइट है। जी इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपसे और तमाम अपने श्रोताओं से कि अगर 18 साल उम्र हो गई है तो आप किसी के बहकावे में ना आए, हाइट बढ़ने की उम्मीद को थोड़ा आप छोड़ दें। उसका मैं कारण भी बता रहा हूं ऐसा क्यों हो सकता है, आपको मन में लगे कि डॉक्टर साहब ने इतनी फ्लैट बात कह दी, ऐसे बोल दिया। होता क्या है, जो आपका रेड बोन मैरो होता है, आपकी हड्डियों का जो बोन मैरो होता है जिसमें आरबीसी प्रोडक्शन होता है, वो 17-18 साल के बाद येलो बोन मैरो में हो जाता है और उसमें आरबीसी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जब आपके किसी शरीर की ऑर्गनली में आरबीसी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर उसकी ग्रोथ कैसे होगी? तो अगर कोई 18 साल का हो गया है तो वो कोशिश कर ले। देखिए मिरेकल होते हैं लेकिन मिरेकल ही होते हैं, आम तौर पे 18 साल के बाद हाइट बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी जी महेंद्र जी अगला प्रश्न कुछ है आपका? जी अगला प्रश्न हमारा ये है जी, जैसे बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए जाते हैं तो उनको दाने निकल आते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमारे क्या कहना चाहेंगे? दाने बहुत अच्छा महेंद्र भाई, बहुत अच्छा, आप जाड़े संबंधी सारे सवाल पूछ रहे हैं। अगर बच्चों के जैसे गर्म, बहुत गर्म कपड़े पहने और उनके दाने निकलने लगे तो इसकी एक दवा आप होम्योपैथी में नोट कर लें, वह है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की, यानी सल्फर 1000 पावर की केवल एक खुराक बच्चे को वीकली दे दें, यह दाने निकलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, उसकी इचिंग खुजली भी बंद हो जाएगी और वह अपने को स्वस्थ और कंफर्टेबल महसूस करेगा। जी और जी, हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब से जी, कि जैसे कि ठंडियों में हाथ पैर सूज जाते हैं जी, तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमें कौन सा उपचार बताएंगे वो भी हम जानने के लिए। बिल्कुल महेंद्र भाई, सूज जाते हैं और इचिंग भी होने लगती है, ये थोड़ा बिल्कुल बहुत सही सवाल है, ऐसा करीब 10 पेशेंट रोज आता है जो यही बात कहता है। इसके लिए यह जो ब्लड होता है वो एक तरह से वेंस बहुत सर्दी में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, इस कारण यह सूजन आ जाती है और इसके लिए एक दवा बहुत अच्छी है बेलेडोना। अगर हमारे किसी भी माता बहन या परिवार में किसी के भी पैरों में खासतौर से लेडीज में आती है सूजन आ रही है तो बेलेडोना उनकी दवा है। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 हफ्ता ले लें, आपका सूजन भी पैर का खत्म हो जाएगा और यह सर्दी से जो आपके सिम्टम उत्पन्न हुआ है यह भी खत्म हो जाएगा। जी महेंद्र जी और कोई प्रश्न? जी और जैसे कि कुछ लोग हाइट को बढ़ने के लिए अपना
वो कहते हैं कि अगर हम बांस जो होता है, बांस का होता है, अगर उसको हम उबाल कर पीते हैं तो उससे भी हमारी हाइट बढ़ती, तो क्या ये अंधविश्वास है या ये तो मुझे पता ही नहीं था कि बांस को उबाल, बांस की चीजों को अगर उबाल करके पानी लोग पीने को बताते हैं जी। बांस का पानी कहीं ना कहीं लाभ देता है। अच्छा हाँ, ये हम तमाम श्रोताओं को बताना चाहेंगे, बांस का पानी कहीं ना कहीं लाभ देता है। क्योंकि देखिए, मुझे इस बात के बहुत ज्यादा इसका साइंटिफिक उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुदरत से रिलेशन में अगर आप देखें तो बांस उसके सिंक्रोनाइजेशन में है। बांस टॉल होता है, हाँ, आप बांस के साथ एक वर्ड जोड़ेंगे टॉल, तो कोई भी चीज जिसकी कैफियत इस तरह की होती है वो कहीं ना कहीं कुछ फर्क डालने में अवश्य सक्षम है। और अगर हम इसके साइंटिफिक बात पे अब आ जाएं तो इसमें कैल्शियम पेक्टेट, अच्छा, जो इसका सेल वॉल्स होती है उसमें कैल्शियम पेक्टेट जो दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, उसके बीच में कैल्शियम पेक्टेट नाम का कंपाउंड होता है, वह अधिक पाया जाता है। तो वह एक संभावित रीजन हो सकता है जो महेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि बांस से हाइट बढ़ सकती है। जी जी महेंद्र जी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए आपको। और डॉक्टर साहब से ये भी कहना चाहेंगे कि इनका मोबाइल नंबर जो है, अगर हम इनसे मिलना चाहे तो उसपे संपर्क कर सकते हैं कॉल करके। निश्चित रूप से आपके साथ हम हमेशा संपर्क में हैं, मैडम अभी आपको नंबर बता देंगी जी। और तो जी बताइए, सारी जानकारी देने के लिए आपको और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर साहब को आमंत्रण किया। सभी लोग अपना ख्याल रखें ठंड में, यही हम कहना चाहेंगे। बहुत समय मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा महेंद्र जी, अभी आपको हम जाने नहीं देंगे, एक मिनट सुन लीजिए। एक बात, आप जाड़े में बीमार ही ना पड़े, इसके लिए मैं बहुत अचूक नुस्खा अपने श्रोताओं को आपको मैडम के माध्यम से बताना चाहूंगा जी। और पहले नोट कर लीजिए डॉक्टर रोमन खन्ना जी का नंबर। जी नंबर तो हमारे पास है, वो है 94380786380 94 15 94 15 786 380 94 15 786 380 को याद है। अगर आपको बीमार महीन जी नहीं पड़ना है तो आप एक रात में मून मिल्क पीना शुरू करें। सुन लीजिए, देखिए ये सब हम लोगों के 5000 साल पुराने नुस्खे हैं, लेकिन अंग्रेज अब इसको जो है अपनी भाषा में ढाल के और थोड़ा इसको प्रोफेशनल बना रहे हैं। मैं आपको मून मिल्क की सलाह दे रहा हूँ। अब आपका अगला सवाल होगा मून मिल्क साहब क्या होता है। मून मिल्क का मतलब जैसे बता रहा है कि चंद्रमा के टाइम पे पिया जाता है, तो जब मून निकलता है रात में, तो रात में आप दूध में थोड़ी दालचीनी पाउडर जी, थोड़ी सी हल्दी और शहद जी, सिर्फ ये तीन चीजें डाल के पी लें, आपको पूरे जाड़े नजला होगा ही नहीं। जी दालचीनी, शहद, हल्दी, गुनगुना पानी, गुनगुना दूध आप रोज रात में एक गिलास पी लें, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ हुआ। आपको नजला जुकाम होगा ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको जुकाम होगा ही नहीं, क्योंकि अगर जुकाम हो गया तो 5-6 दिन वो रहेगा जरूर, चाहे आप कुछ कर लें, क्योंकि वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो यह जुकाम आपको होगा जरूर। तो इसके बचने का सबसे अच्छा उपाय जो हमने आपको बताया वही है, और अगर आपको यह हो जाए तो उसकी तमाम दवाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बताइए। कह रहे कि ये भी अगर इस पर भी प्रकाश डाल दें कि जैसे पैकेटों में तो मिल्क दूध आता है जी जी, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, कुछ खराबियां भी होती हैं, तो हम अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करें कि मिलावटी कौन होता है और कौन नहीं मिलावट वाला होता है। महेंद्र जी, इसके लिए तो एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप कोई गौशाला ढूंढें और वहां पे जाके अपने सामने दूध लें जी, क्योंकि अब कहीं कहीं हालात से समझौता होता है। अब हालात अगर ऐसे हैं कि भाई दूध आपको नहीं मिल रहा, पैकेट वाला ही चाहिए, तो पैकेट वाला ले। उसकी अच्छाई बुराई की बात आई तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे ब्रांड इधर चल गए। देखिए, आप जो पुराने ब्रांड है, जो इनका नाम है, आप उन्हीं का दूध लें। हॉकर अपने कमीशन के लिए 2 पैसे ज्यादा के लिए आपको वो दूध की क्वालिटी देता है जो कि ऑथेंटिक नहीं है। एटलीस्ट जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका एक सिस्टम होता है काम का, इनके एम्प्लॉय हर लेवल पे होते हैं जो चीजों को मॉनिटर करते हैं। महेंद्र जी, और बाकी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, तो अगर आपको तो प्रसारण अच्छा करवाने की हमें कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करूंगी, और शाम को ये वाला प्रोग्राम आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, नववर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो महेंद्र एक और कॉलर जोड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा आपका नाम क्या नाम है आपका, आपने मुझे बताया था मैं भूल गई। जी कपिल, कपिल कपिल जी, जी कपिल क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। जी कहना, पहली बात तो ये कहना चाहते हैं, पहली बार हमारा फोन लगा है, पहली बार आपका फोन लगा है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने फोन किया है जी, और हमारा हमारे से बात भी हो रही है आपकी, ऐसे ही जुड़े रहिएगा जी कपिल जी। सुनते जो आचार्य उनका नंबर एक बार आपने दिया था, तो वो हमको खैर मालूम है, उनसे कभी कभार बात हुआ करती है। और ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर रोमन खन्ना जी, इनका नंबर है कि नहीं आपके पास? ये तो है नहीं, मतलब याद कर लेते हैं, दिखता नहीं ना, दृष्टि ही नहीं। अच्छा आपको याद, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल आप याद कर लीजिए। देखिए है 94 15 94 15 जी 786 380 हाँ ये याद कर लीजिएगा। डॉक्टर उमंग खन्ना जी होम्योपैथिक के बहुत बड़े चिकित्सक हैं अपने लखनऊ के, वो हमारे साथ हैं जी। 94 15 786 380 अरे वाह, आपको तो याद हो गया जी। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए अब जी। बस ये कहना चाहते थे कि ठंड से बचे रहो, खान पान का ध्यान रखो। बिल्कुल, वो डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें बता रहे हैं, आप बाद वाले प्रसारण में उसको सुनिएगा, अपनी आवाज भी सुनिएगा, ठीक है? एक कपिल जी आप और बात जोड़िएगा इसमें। कपिल जी, कपिल जी सुनिए डॉक्टर, एक बात आप और जोड़िएगा। पहले तो आपको धन्यवाद कि आप सीएमएस कम्युनिटी रेडियो 90.4 MHz के जिसके पास इतने फेथफुल श्रोता हूँ, तो ये देख कर ही मन आनंदित हो जाता है, जिसमें आप जैसे लोग हैं जो पूरा फॉलो करते हैं, जो कोई आता है यहाँ पर एक्सपर्ट। आप जायफल का इस्तेमाल करें, अगर सर्दी है तो केवल एक चीज आपको जो और बचा सकती है सर्दी से, आपके एक दिन के बच्चे को भी बचा सकती है, वो है जायफल। आप जरा सा जायफल रगड़ के उसको दूध या किसी माध्यम से ले लें, और किसी बच्चे को सर्दी है तो उसको जायफल दे दें, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके नाभि में अम्बिलिकस के आसपास जायफल को और सीने पे मल दें, आप देखेंगे उसकी सर्दी बिल्कुल छूमंतर हो गई। तो इस सर्दी से बचने के लिए आप जायफल को अपना जो है माध्यम बना सकते हैं जी। कपिल थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना प्रोग्राम सुनिएगा बाद वाले प्रसारण में, ठीक है? मतलब एक अगर मांसाहारी के लिए ये भी है कि देसी अंडा अगर बच्चों को खिलाओ तो भी सर्दी जाए। हाँ देसी अंडा भी है जिसकी तासीर गर्म हो, बिल्कुल देसी अंडा बच्चों को दिया जा सकता है, बच्चों को जायफल दिया जा सकता है, बच्चों को लौंग लौंग काली मिर्च इस तरह के जो गरम मसाले होते हैं जिनका नाम है गरम मसाला है, तो वो गरम तासीर की चीजें दी जा सकती हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। जी कुछ और पूछना है? थैंक यू। तुलसा जी उनको गाना वगैरह ज्यादा सुनाते हैं, वो नहीं सुनाते उनके लिए? अरे हम सुनाएंगे सुनाएंगे बिल्कुल, ठीक है सुनाएंगे जरूर। हाँ थैंक यू, ओके ओके थैंक यू। जिन श्रोताओं ने अपना रेडियो सेट अभी अभी ट्यून इन किया है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 90.4 सिटी मोंटेसरी स्कूल सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम चल रहा है सजीव फोन इन सेहत की बात डॉक्टर के साथ, और आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी को, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक है अपने शहर लखनऊ के, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे साथ अभी आधे घंटे और रहेंगे। अगर आप इनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं इस मौसम में, अगर कोई भी परेशानी है उसके संबंध में, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0522-411-3351-4113351। इस नंबर पर फोन मिला करके डॉक्टर उमंग खन्ना जी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर उमंग, अभी एक श्रोतागण हमसे पूछे थे कि अगर वो आपसे मिलना चाहे तो क्या कर सकते हैं, फोन नंबर उनके पास है लेकिन एक उनमें एक है कि अरे इतने बड़े डॉक्टर हैं, पता नहीं मेरा फोन उठाएंगे या नहीं, उनसे हम मिल पाएंगे या नहीं, एक झिझक भी रहती है। देखिए महेंद्र जी ने भी फोन किया, उनको नंबर आपका पूरा याद है। हम लोग देखिए मैम, आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी के फॉलोअर हैं, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं,
हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही हम हैं, जैसा आप हमें सुन रहे होंगे। ये नंबर बहुत सहज है, आप जब भी कॉल करेंगे 9415786380 9415786380 कोई ना कोई उस फोन को पिक करेगा और आपसे बहुत इज्जत से बात करेगा, आपकी पूरी बात सुनेगा और बात हम तक पहुंचा देगा। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो इस प्रोग्राम के माध्यम से, इच्छा हो, मैं तो चाहूंगा आप अपनी इच्छा इसी वक्त पैदा करिए ताकि और श्रोता भी सुन ले और कभी आपको बाद में कुछ याद आए तो आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और उससे क्लिनिक हमारा क्लिनिक जो है वो नारायण महल रोड नखास पर है, आप उस पर आ सकते हैं। और हमारा एक YouTube चैनल है डॉक्टर उमंग खन्ना के नाम से, उसमें लगभग मैं कोशिश है कि हर मर्ज की दवाएं आपके सामने क्लिक पर आ जाएं, ऑथेंटिक दवाएं विद सिम्टम। तो आपका एक YouTube चैनल है, आप जैसे साथी उस पर जुड़े हैं, आप डॉक्टर उमंग खन्ना YouTube पे टाइप करें DRUMANG KHANNA, आप हमको अपने सामने पाएंगे। अरे वाह, तो जान लिया दोस्तों आपने, डॉक्टर उमंग खन्ना जी से आप भी जुड़ सकते हैं, आपके अपने चहेते डॉक्टर। डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने के लिए नंबर मिला सकते हैं 0522-411-3351। डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र से बात हुई, उससे पहले जो दूसरे मैच होता थे वो भी बात किए थे, मेरी बात रह गई थी कि भाई अगर सर्दी जुकाम इतना ज्यादा आजकल हीट हो गया है और कान बंद, आंखों से पानी आना, ऐसे में मतलब जुकाम समझ में आ रहा है निकल नहीं रहा है, ऐसे में क्या करें? इसके लिए अगर जुकाम आपके हो गया है तो आप ये मान ले मैम कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन है। और वायरस वायरल इन्फेक्शन की दवाएं जो मेन चिकित्सा विधि होती है उसमें कम होती है। अच्छा। अगर वायरल हो गया है तो होम्योपैथी आपके लिए बेस्ट है, बिल्कुल आप वो करें। अब इसमें हम लोग 4-5 सिम्टम की बात कर लेते हैं। पहला मैम ने उठाया कि पानी ऐसी नाक बह रही है। हाँ। अगर हमारा कोई श्रोतागण है जिसको नजला हुआ है, जिसके बच्चे को परिवार में नजला हुआ है, उसकी पानी ऐसी नाक बह रही है, तो इसको ठीक करने की 2 होम्योपैथिक दवाएं हैं। पहली दवा है एलियम सीपा और दूसरी दवा है यूफ्रेसिया। एलियम सीपा उस स्थिति में आपका पानी ऐसे नजला को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है, जब आपके जो नाक और नाक से पानी आ रहा हो उसमें जलन ना हो जी। और अगर आपसे नाक से जो पानी आ रहा है उसमें जलन है तो यूफ्रेसिया सबसे अच्छी दवा है। तो ये दोनों सिम्टम में से जो आपके हो आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका नजला रुक जाएगा जी। फिर आता है इसमें कान बंद होना। अगर आपका नजला है और कान बंद हो गया है, नजला तो ठीक हो गया है लेकिन कान बंद है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा है डलका मारा। हाँ, डलका मारा 200 पावर डालते हैं, खाते हैं क्या है? नहीं, बस इसका डलका मारा आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वो 10 रुपए की आपको 2 ग्राम दवा बना देगा शुगर पिल्स में। उसकी चरचर गोली आप दिन में 4 बार ले लें, 1 या 2 दिन में आपका कान भी खुल जाएगा और आप अपने को सहज महसूस करने लगेंगे। इसी के साथ एक और रहता है सर दर्द, माइग्रेन, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल, अगर आपके यहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हुआ तो आपके दिमाग में स्ट्रेस हुआ, माइग्रेन तनाव के कारण होता है। वह तनाव चाहे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हो, चाहे वो आपके जुकाम का तनाव हो, चाहे वो आपके टेंशन का तनाव हो। तो अगर आपके टेंशन का तनाव है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि जिस श्रोता को जो है वो पकड़ लेगा बात को जी। तो अगर उसके टेंशन से हो रहा है तो उसकी दवा एकोनाइट है, माइग्रेन हो रहा है तो एकोनाइट है, आप एकोनाइट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले ले, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अगर आपको नजले से माइग्रेन हो रहा है तो आपकी दवा है स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में आप 3 बार ले लें, आपका सारा नजला बह जाएगा और जब नजला बह जाएगा तो आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा। और ओवरऑल माइग्रेन को ठीक करने की, क्या आपको कारण भी नहीं पता है लेकिन सर में दर्द हो रहा है या उठता रहता है, हर हफ्ते में एक बार माइग्रेन हो जाता है, तो उस स्थिति में आपकी एक बहुत कारगर दवा है और वह स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, ये रामबाण है, वैसा रामबाण जो आपके माइग्रेन को तुरंत ठीक कर देगा, आपको वैसोग्रेन या अन्य जो ब्रूफेन आपको खानी पड़ती है उनसे आपको बचा लेगा। जो श्रोतागण अभी सुन रहे हैं ना वो सोच रहे होंगे कि इतनी कठिन जो दवाई के नाम है वो कैसे याद रखें, तो वो लोग आप लोग अपने जो मोबाइल में अगर आप सुन रहे हैं तो उतना रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि कई बार हमारे श्रोतागण बताते हैं कि हमने रिकॉर्ड कर लिया था जो डॉक्टर ने बताया था वो हमने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ें आ जाती हैं, वॉमिटिंग और उल्टी, और मतलब उल्टी दस्त होना, कोल्ड डायरिया आप कह सकते हो। हाँ, इसी के साथ ही एक चीज है, ये बहुत बड़ी बात है
ये जो मैडम आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जिस परिवार में किसी बच्चे को कोल्ड डायरिया हो जाता है, सर्दी लगती है, और सर्दी आजकल बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होते हैं, बड़ों को भी होता है, और खास तौर से बच्चे, क्योंकि बच्चे जल्दी कोल्ड को कैच कर देते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी तो जो है। अब आजकल नए साल पे लोग बाहर गए मनाने के लिए, और मैं देखता हूँ लोग तमाम सोशल मीडिया पे फोटो बर्फ के साथ जो है फोटो छोटे छोटे बच्चों की डालते, और अगर आपको कोल्ड डायरिया हो जाता वो एक समस्या है जी। तो सबसे पहले तो बच्चों को सर्दी से बचाएं, और अगर बच्चे को 25 से 30 से 40 पतली पानी ऐसी पॉटी आना शुरू हो गई है तो पहले ही दिन आप तुरंत ORS को शुरू करें। सबसे बड़ी चीज 3 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल दें, और वहां पानी बच्चे को दिन भर पिलाएं ताकि उसको ड्रिप लगने की नौबत ना आए। दूसरी चीज, उसको जो है तुरंत कुशल चिकित्सक से मिलें, और होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि एलोपैथी में कोल्ड डायरिया की दवा बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये वायरस होता है जी। और आप परेशान ना हो, इसको रिजॉल्व होने में 4 से 5 दिन लगेंगे जरूर। अच्छा। जैसे बच्चे को 1-2-3 दिन पॉटी आ जाए, बच्चा थोड़ा झटक जाए, तो आप परेशान ना हो, आप उसको फ्लूइड देते रहे, उबले पानी में ORS डाल के उसको तैयार करके वहा देते रहे जी। और इसकी दवा आती है कैमोमिला 200 पावर में, आप कैमोमिला 200 और काली कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं, आप देखेंगे कि उसका कोल्ड डायरिया कंट्रोल हो गया। अच्छा, और जो बड़ों को अगर ये परेशानी होती है, जैसे बड़ों को होती है, वृद्धों को भी हमने देखा है, तो भी उनके लिए, वृद्धों के लिए इसमें एक दवा और जुड़ जाती, वह है आर्सेनिक एल्बम। यानी अगर वृद्धों को कोल्ड डायरिया है तो नेट्रम कार्ब हो गई, काली कार्ब हो गई, आर्सेनिक एल्बम हो गई, और तीसरी दवा जो होती है वो फास्फोरस हो गई। फास्फोरस वीकली ले ले, और आर्सेनिक और काली कार्ब आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले ले, आप देखेंगे आपका कोल्ड डायरिया ठीक हो गया जी। अब पेट में भी दर्द होने लगता है शायद वो सर्दी, पेट में अगर आपके पेट में ऐठन और मरोड़ हो रही है सर्दी लगने के कारण, तो उसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, दवा का नाम है कोलोसिंथ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले ले। जब आपके पेट में मरोड़ हो रही हो, वो आपको झुकने पे आपको आराम मिलता हो, जब आप थोड़ा सा झुक जाते हो पेट पकड़ के तो आपको रिलीफ आता हो, तो वह स्थिति होती है कोलोसिंथ मेडिसिन की जी। इस मौसम में बहुत ज्यादा ये अलाव वगैरह चला करके रखते हैं, कई लोग अपने घर पे हीटर, ब्लोअर, इन सब चीजों को भी जला करके रखते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी तो होते होंगे ना? ब्लोअर, देखिए ब्लोअर का साइड इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन। ब्लोअर आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, यानी पानी आपके शरीर से खींचता है, आपकी स्किन को ड्राई करता है। अच्छा, तो अगर आप थोड़ा सा कष्ट कर सके तो सबसे अच्छा होता है अपना कोयला जो होता जी, है जी। और कोयला बहुत वो भी नहीं करता, बहुत धुआं नहीं करता, एक बार कोयला जल जाता है उसके बाद आप कमरे में रख सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा अनसेफ है, जिसके घर में छोटा बच्चा है परिवार में, उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए वो जो ट्यूब वाला हीटर आजकल चले वो बेटर ऑप्शन है। अच्छा, मतलब अगर हम कैटेगराइज करें आपकी बात के सवाल की भावना को समझते हुए, कि सबसे अच्छा होता है कि कोयला या लकड़ी को आप जला लें, अगर वो नहीं हो सकता है क्योंकि घर में छोटे बच्चे या समय का अभाव है, तो जो ट्यूब वाले हीटर आते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति के पास लगा दे, वो उसको धीरे धीरे हीट देता रहेगा जी। और तीसरे स्टैंडर्ड पेस में आता है, यानी सी ग्रेड में आता है हार्ट विंड ब्लोअर, जिसकी की बात हो रही है हाँ, लेकिन ये पानी खींचता है, बल्कि ये फोर्थ है, थर्ड आ गया आपका हीटर जो रॉड वाला हीटर होता है वो फिर भी अच्छा है जी। फोर्थ पे आ गया ब्लोअर, क्योंकि जो हीटर होता है, हीटर आपको लोकलाइज तरह से हीट देता है, यानी कि आपको बॉडी के केवल एक्सटर्नल पार्ट में हीट दे रहा है जी। और आप जब हीटर के संपर्क से थोड़ा हटते हैं तो आप ठंडी हवा भी ले लेते हैं, लेकिन ब्लोअर ऐसी चीज होती है जो पूरे कमरे को इतना गर्म कर देता है कि फिर वो आपके जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वही उसके लिए ओवर रिएक्टिव हो जाता है जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि ये बात तो भाई एक डॉक्टर से अगर हम पूछते तो जनरली डॉक्टर कहते हैं कि अरे ये इसका कैसे जवाब दे कि ब्लोअर, लेकिन आपके पास, जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि आपके पास हर एक बात का जवाब जरूर है। एक चीज हम और जानना चाहेंगे, क्योंकि वो मैं अपने आप को उससे रिलेट करके देखती हूँ, तो कहते हैं कि कई बार घर पे कहते हैं कि रोज ना नहाओ सर्दी में, और अगर कोई घर से निकल रहा है, जैसे मेरी, मैं अगर निकलती हूँ, मम्मी कहती है नहीं नहीं नहा कर निकलो, बाहर ठंडी हवा है, तुमको ठंड लग जाएगी, नहा कर मत निकलो, आज कल नहा लेना, आज बहुत ठंड है,
ये टाइप की जो चीजें हैं उससे कैसे, मतलब वो सही है गलत है, या मैं रोज नहाती हूँ वो गलत करती हूँ, या मम्मी की बात ना मान करके गलती करती हूँ, ये आप हमें बताइए। कहीं कहीं पे कुछ चीजें अच्छाई के लिए होती, चाहे वो बड़ों की कभी ना मानी जाए, और वो उनको भी सच पता है, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती है। माँ होती है जो एक बच्चे को, माँ से बढ़िया साथी कोई नहीं होता, तो वो केयर होने के कारण कभी कभी हम बच्चों को ओवर रिस्पॉन्सिव, जैसे बच्चे को पढ़ाई का टाइम है लेकिन हम देख रहे हैं वो बहुत देर से बैठा है, बेटा सो जाओ बहुत थक गए, तो कहीं कहीं हम लोग लीनियंट हो जाते हैं। वही बात है नहाने की बात, जहां तक है आपने बात कही तो आपकी बात से मुझे एक फेसबुक की पोस्ट याद आई, कभी मैंने देखी थी बिल्कुल, उसमें हमने देखा था बड़ी वायरल हुई थी, वो एक साधु है वो वहां केदारनाथ जी की तरफ या कहीं पर है, और वो बर्फ तोड़ के उसके नीचे पानी निकाल के उससे नहा रहा है। अच्छा, तो ये क्या दर्शाता है? हाँ। ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी की जो रेजिस्टिविटी, जो हमारी इच्छा शक्ति है उस स्तर तक है, लेकिन हम उसको गिराते गिराते इतना नीचे ले आते हैं कि भैया आप दो दिन ना हो, बहुत ठंडक है। हाँ। और इससे हम अपने शरीर का नुकसान करते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति का नुकसान करते हैं, अपनी विल पावर का नुकसान करते हैं, अपने शरीर का जो नियम है इको सिस्टम है उसका नुकसान करते हैं। तो मैं कहूंगा अवश्य रोज नहाना चाहिए, और बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर जितने गर्म पानी से आप नहाएंगे आपकी स्किन ड्राई होती जाएगी और आप परेशान होते जाएंगे, तो नहाना भी अवश्य चाहिए, और बहुत ही मध्यम मतलब रूम टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए, वो ठंडा ना हो, मानते हैं टंकी का पानी है ठंड, और जिनके घर बोरिंग लगी है मैं तो कहूंगा थोड़ी सी हिम्मत करें और बोरिंग के पानी थोड़ा गर्म होता है, आप के नीचे से फ्रेश वाटर आता है, जिस समय बोरिंग का स्विच ऑन करें जो डायरेक्ट फ्लो आ रहा हो उस पानी से नहा ले। अच्छा, तो ये इस बात का भी तो जवाब डॉक्टर साहब आपने हमें दे दिया। अब हम बात करते हैं फिर से स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बात है। इस मौसम में हमने देखा है कि जिनको महिलाएं जो 30-40 की उम्र के हो जाते हैं उनको अर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम होती है इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह उठ करके उनके मुट्ठी नहीं बंद होते हैं, पैर नहीं चलता है, घुटने और भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। पहले तो बताइए इस मौसम में क्यों होती है, और उसके बाद अगर होती भी है तो उससे वो क्या कैसे निपटे। जी बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। ये सब समस्याएं जो हर दूसरा व्यक्ति फेस कर रहा होगा जो ये प्रोग्राम सुन रहा है या जो ये प्रोग्राम नहीं सुन रहा है। आर्थराइटिस होती क्या है? आर्थराइटिस होती आपके जोड़ों की सूजन। जी, अब जोड़ों में सूजन तभी ज्यादा आएगी जब सर्दी होगी, जब पैर में सूजन आ सकती तो जोड़ों में भी सूजन आ सकती है। तो आर्थराइटिस निश्चित रूप से सर्दी में बढ़ता है, और हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। इसके लिए जो सबसे पहले तो उपाय की बात है, तो उपाय आप सर्दी से बचें, सर्दी से पहले तो बचें। दूसरी चीज, गर्म चीजों का सेवन करें, जैसे हमने बताया जावित्री, जायफल, काली मिर्च, लौंग, गरम मसाले की चीजें खाएं ताकि आपके बॉडी में हीट रहे। और गर्म पानी का सेवन तो गुनगुने पानी का ही करना चाहिए। मेरे यहाँ मैं देखता हूँ क्लिनिक पे बड़े बड़े जो लोग आते हैं, जो मतलब अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं, आदरणीय श्री भगवती सिंह जी मान लीजिए आए, उनकी एज, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, समय उनकी उम्र अबाउट 90 इयर्स है, और अभी भी वो पॉलिटिकली सोशली एक्टिव हैं। तो उनका आदमी अपने साथ, जब मैं उनको पानी उनके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो उनका आदमी गर्म थर्मस में पानी लेके साथ चल रहा होता है, वो वही गर्म पानी उनको पिलाता है। तो फिटनेस का एक राज है गुनगुना पानी, और सुबह खाली पेट एक गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए, और तांबे के बर्तन में पीना चाहिए, तांबे के बर्तन में। और यहाँ पे मैं एक विषय को और जोड़ देता हूँ कि आपके पास ये जो जाड़े के 3 महीने होते हैं, ये हार्ट को डिटॉक्स करने के, आपका जो हार्ट होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने के सबसे सुनहरे 3 मौके होते हैं, क्योंकि इसमें आप दूध और अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। अगर आपने 3 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी अभी बाकी है, हमारे दर्शक श्रोता नोट कर लें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अश्वगंधा पाउडर के साथ दूध ले लिया, तो आपका दूध, आपका जो वो है हार्ट, वो पूरे साल के लिए डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। जी, तो एक तो आप अश्वगंधा कितना लेना चाहिए उसमें? 1/4 चम्मच। जी, ये इतने पावरफुल हर्ब्स होते हैं मैम कि इनको बहुत कम लेना चाहिए और बहुत सावधानी से लेना चाहिए। जैसे लहसुन है, हींग है, कुछ लोगों की आदत होती है दाल में हींग डाले हुए। हाँ। ये सब बहुत पावरफुल परजेटिव्स होते हैं, तो इनका इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा ना करें। अच्छा, ये बड़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है इनकी, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग परजेटिव्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम को डीरेंज भी करते हैं। आपको सुन के अजीब लग रहा है? हाँ, बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा सा लेकिन अगर आप मेरी बात को
थोड़ा सा गैर गौर से सोचें तो आप पाएंगे, आप सोचिए कि लहसुन कितना, एक लहसुन कटता है पूरे घर में महक आती है। जरा सी हींग आप डाल दीजिए जो प्योर हींग होती है, अगर आप इतनी सी एक चूरा भर की डाल दीजिए तो पूरा घर उससे महकने लगता। तो इतने स्ट्रांग पॉजिटिव्स अब जब आपके बॉडी में जाते हैं तो ये डिस्टर्बेंस भी पैदा करते हैं, तो आपको ये चीजें कम लेनी चाहिए जी। और जहाँ तक आर्थराइटिस की बात है हो रही थी, तो आर्थराइटिस निश्चित रूप से एक तकलीफ है, लेकिन इसकी दवाएं भी हैं। मैं एक दवा बताना चाहूंगा, इस प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड ना करूं तो ना हमारे श्रोता भी कहेंगे कि जो है तो रस टॉक्स, एक दवा का नाम मैं लेना चाहूंगा रस टॉक्सीडेंड्रॉन, और दूसरी दवा का नाम लेना चाहूंगा कोल्चिकम। कोल्चिकम अभी मैम ने सवाल उठाया कि सुबह उठते तो मुट्ठी बंद होने में दिक्कत होती है, तो उस कैफियत की यानी स्मॉल जॉइंट्स में सूजन की, छोटे जोड़ों में सूजन की सबसे अच्छी दवा कोल्चिकम और टेमनेल 30 है। आप कोल्चिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपकी मुट्ठी बंद होना आराम से शुरू हो गई। और दूसरी दवा हो गई बड़े जोड़ों की, कोल्चिकम हो गई छोटे जोड़ों की, आपके बड़े जोड़ों में सूजन है, घुटने में बहुत दर्द है और चलने से आपको आराम मिलता है लेकिन बैठने से तकलीफ बढ़ती है, जब सुबह पहला कदम जमीन पर रखते हैं तो बहुत दर्द होता है, तो अगर वह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की दवा रस्टॉक्सीडेंड्रॉन है। रस्टॉक्स 1 mg पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपको लाभ मिल गया ये। हाँ बिल्कुल, बात अपनी पूरी कीजिए। एक मैम तीसरी दवा इसकी है कि जब उठते हैं पैर जमीन पे रखते हैं तो एड़ी में बहुत तेज दर्द होता है जी, एक ये भी सवाल इसमें आएगा भी कि हमारे सोता के, तो इसकी दवा है रूटा ग्रेविलेंस। रूटा 200 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके जो पैर के तलवे की हड्डी है जो पैर जमीन पे रखने पे आपको दर्द होने लगता है वह दर्द भी खत्म हो गया। तो आप कोल्चिकम रस्टॉक्स, और रस्टॉक्स अभी हमने बताया कि चलने से आपको आराम मिलता है और बैठने उठने से आपको तकलीफ होती है तो दवा रस्टॉक्स है, और चलने से अगर तकलीफ बढ़ती है तो दवा ब्राइनिया एल्बा है। ब्राइनिया एल्बा, हाँ, अच्छा। या 30 पावर में ब्राइनिया 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। उन माताओं में साथ में ली जा सकती है, दोनों साथ में ले लें, बिल्कुल ली जा सकती है, तो आपके मन में कोई डिफ्रेंसिएशन की इच्छा ही नहीं रहेगी। हाँ। तो ब्राइनिया का काम होता है कि जैसे जीना चढ़ने पे बहुत तकलीफ होने लगी, जीना नहीं चढ़ पा रहे हैं, स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर पा रहे हैं, तो दवा आपकी ब्राइनिया है, और अगर आप आराम करने पे तकलीफ बढ़ती है तो दवा रस्टॉक्स है। पर इस चीज का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं क्या लेने में एक बार ये रहता है कि आधे घंटे पहले कुछ ना खाएं और आधे घंटे बाद कुछ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथिक दवा वाकई में फायदा करे। बादी वादी का तो चक्कर आजकल नहीं रहता ना, कि कई बार कहते हैं कि अरहर की दाल ना लो, कोई कहता है बैगन ना लो, सब लीजिए, सब कुछ अच्छा है, वो जो आपका पेट डाइजेस्ट कर पाए। देखिए लोग हमसे पूछते हैं, क्लिनिक आते हैं मरीज, उनका एक सवाल हर मरीज का होता है कि डॉक्टर साहब क्या खाएं जो हमारे कब्जियत ना हो खास तौर से, तो मैं यही कहता हूँ कि आप वो सब खाइए जिससे आपके कब्जियत ना हो। मैं फिर से बात, वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाएं जो कब्जियत ना हो जी, हम कहते हैं आप वो सब खाइए जिससे आपको कब्जियत ना होती हो। हाँ। तो जिससे आपको तकलीफ ना हो वो आप सब खाएं, बॉडी तुरंत रेजिस्ट कर देता है उन चीजों को जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह। अब आप उस कुदरत के इशारे को समझ पाए या ना समझ पाए वो आपकी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता चल जाता है कि हाँ ये हमने खा लिया है तो ये प्रॉब्लम हो गई। एक और विषय में श्रोता को बोल दूं, अभी रह गया नजले का। नजले में जो है, जो बात हुई माइग्रेन की हुई थी, तो नजला जो आपके है इसमें एक चीज आती है साइनस, साइनस वाली प्रॉब्लम। हाँ, बहुत मरीज साइनस से भी जाड़े में परेशान रहते हैं, विंटर्स में साइनस से बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर हम तो देखते हैं ये 3 महीने हो सकता है कई लोगों के, सिर्फ जुकाम जुकाम बना रहता है, और जिस करवट लेटते उधर नाक बंद हो जाती है, और आपके सर के आगे के फ्रंटल हेडेक और जॉ लाइन पर आंख के नीचे दर्द होता है। तो अगर यह सिम्टम हो तो आप समझ लें आपको साइनस है। और इसकी एक दवा मैं आपको केवल बताऊंगा और वह है काली बाइक्रोम। आप काली बाइक्रोम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका साइनस पूरा 3 महीने के लिए पूरा जाड़े भर मैनेज हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं ये क्योर भी करेगा। जब गर्मी आएगी तो आपको साइनस का एहसास ही नहीं होगा, वो ठीक हो चुका होगा। काली बाइक्रम और साइनस की प्रॉब्लम इसी इन्हीं सब में ज्यादा रहता है। बिल्कुल, जहाँ चेंज ऑफ वेदर होता है, हम लोग गर्म कमरे से बाहर गए तो छींके आने लगी, तो काली बाइक्रोम उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। और छींके अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो उसकी दवा अमोनियम कार्बोनिकम है, अमोनियम कार्ब 30। और अगर आपकी नाक
जिस करवट लेट रहे हैं उधर की नाक बंद हो रही है, तो उसकी दवा TMV 30, ट्यूक्रियम मेरम वेरम 30, यहाँ इन सारी दवाओं को आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आपका साइनस बिल्कुल ठीक हो गया। एक प्रश्न उसमें रह गया था, हम आर्थराइटिस की बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा था मुट्ठियां बंद नहीं होती है या चलने में प्रॉब्लम या चलने में मतलब ये पहला कदम रखने में ये प्रॉब्लम थी, दो चीजें और जोड़ना चाहेंगे उसी में, कमर दर्द वाला एक लगता है कि चीख पड़ गई कि क्या हो गया, और गर्दन अकड़ना, ये हमने बहुत ज्यादा देखा है, हालांकि कहीं ना कहीं अपनी ही तरफ से कोई परेशान मतलब प्रॉब्लम होती होगी, डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें तो अपनी तरफ से ही किसी ने कोई गलती की होगी तभी ऐसा हुआ होगा बॉडी पोस्चर में। बिल्कुल, हम आपको कमर का दर्द एक बहुत बड़ी समस्या है, कमर के दर्द का दो कारण हो सकता है, पहला कारण हो सकता है सैक्रोइलियाटिस, ये क्या है? ये जिन हमारे श्रोताओं को होगा वो इसको जान रहे होंगे आपके कूल्हे की हड्डी में 3 बोन्स होती हैं, सैक्रम इलियम जुजनम, तो सैक्रम और इलियम जो बोन होती है इसके बीच इस जोड़ में कॉमनली सूजन आ जाती है और इसको इसको कहते हैं सैक्रोइलियाटिस, यहाँ जाड़े में ज्यादा बढ़ता है। और एक चीज और मैम इसमें हम जोड़ दें, वह है साइटिका, मेडिकल साइंस इतनी गहरी चीज है, क्योंकि जब आपके कूल्हे में सूजन आई, जब आपके जोड़ में कमर में सूजन आई तो आपकी साइटिक नर्व दबने लगी जो पैर के पीछे की तरफ नीचे तक जाती है, तो अगर पैर में आपको करंट ऐसा एहसास होता है। अब मैं आपको इसकी दवा बता देता हूँ, श्रोता अगर नोट कर लीजिए ये दवा, नोट कर लीजिए, ये आपको जाड़ा हो या गर्मी ये तकलीफ हो सकती है, जाड़े में ज्यादा होती है, और उसमें एक चीज को लूप में हम लोग और लेते हैं, वह है पीठ का दर्द, पीठ का दर्द, हाँ, क्योंकि पीठ में दर्द हुआ या कूल्हे में दर्द हुआ तो साइटिका हुई, तो अगर आपके बैक पेन हो रहा है, सर्दी में ज्यादा हो रहा है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टम, एस्क्यूलस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बैक पेन में बहुत आराम मिल जाएगा। फिर आती कूल्हे की हड्डी का दर्द, कूल्हे की हड्डी में अगर आपके कमर में दर्द है तो उसकी दवा है रूटा, रूटा रूटा 200 पावर में 200 पावर में आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, और अगर कोई हमारी माता बहन हो जिनको लुकोरिया के भी साथ में शिकायत हो तो साथ में वो एलुमिना जोड़ लें, क्योंकि जब लुकोरिया की शिकायत होती है, सफेद पानी की शिकायत होती है, तो भी आपके कमर में दर्द बढ़ता है, तो उसकी दवा एलुमिना है, एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यानी रूटा आपकी मेन दवा है जो आपके कमर दर्द के लिए कारगर है, साथ में आप एस्क्यूलस को भी जोड़ सकते हैं। फिर ये अगर आपके कूल्हे में दर्द है तो आपकी साइटिक नर्व दबने लगी, साइटिका हो गया जो कि बाई तरफ ज्यादा होता है, तो अगर आपके लेफ्ट साइडेड साइटिका है, लेफ्ट पैर में आपके तीर ऐसा दर्द, करंट ऐसा दर्द पैर में नीचे की तरफ उतर रहा है, तो उसकी एक दवा है बहुत बढ़िया, वो है कोलोसिंथ, कोलोसिंथ, कोलोसिंथ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका साइटिका छूमंतर हो जाएगा, और अगर आपके राइट साइडेड साइटिका है, राइट पैर में साइटिका है, तो आप कोलोसिंथ और गिनेफेलियम यह दोनों दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका कमर का दर्द भी सही हो गया, आपका साइटिका भी सही हो गया, आपका बैक पेन भी सही हो गया, और आपके जाड़े अच्छे करते रहेंगे, जैसे गुलाबी गुलाबी जाड़े मिलते लगे जो लोग करते, गर्दन भी अकड़ जाती है कभी कभी, कैसे बैठे हैं, एक तो मुझे लगता है इतनी जाड़े में ज्यादातर लोग जो एज वाले होते हैं वो एक जगह बैठे ही रहते हैं, कभी तकिया इधर उधर कर लिया या गर्दन ऐसे कर लिया, एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं, उससे भी शायद प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होती है, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा चलते फिरते रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अगर बैठने की बात आती है तो फिर एक पाइल्स भी समस्या आती है, पाइल्स, तो जो लोग हमारे जो लोग क्या सभी लोग जीवन में काम कर रहे हैं तो कुर्सी पे बहुत देर ना बैठे, किसी ना किसी बहाने से हर आधे घंटे 15-20 मिनट 25 मिनट कुर्सी रजाई के अंदर से नहीं निकलते हैं। लोगों से जो है मिलने मिलाने अपनी कुर्सी छोड़ के दफ्तर में जाते रहे, मिलने से प्रेम बढ़ता है, बातचीत से नई आइडिया दिमाग में आते हैं, और जो तो पाइल्स हो गया वो उसकी बात बाद, अब जो गर्दन के दर्द का अकड़न स्टिफनेस की दवा है, इसकी दवा पहली तो रस्टॉक्स हो गई जो कि हमने पहले ही बताया कि चलने से आराम मिलता है, मतलब जब गर्दन को आपने थोड़ी देर हिलाया तो गर्दन आराम से चलने लगी, और गर्दन में दर्द की सबसे प्रीमियम दवा है सिमिसिफ्यूगा। अच्छा, सिमिसिफ्यूगा अगर किसी के हमारी जो है श्रोता के गर्दन में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम कह सकते हैं, तो उनके लिए लैकनेंथस और सिमिसिफ्यूगा या 200 पावर में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका गर्दन का दर्द भी ठीक हो गया और आप भी ठीक हो गए। जी, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान, और सेक से आराम, बिल्कुल सिकाई हीट अपने बॉडी को जितनी प्रोवाइड करें अच्छा है, ब्लोअर वाली हीट नहीं, कोई
सिर्फ उस लोकल एरिया को ही जहाँ पे आपकी तकलीफ है। जी अब वो बात आप कह रहे थे पाइल्स वाली, हाँ पाइल्स को भी इसमें जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में हम लोग खूब हैवी फूड्स खाते हैं और पाइल्स की शिकायत रहती है। और गर्म खाना जो लोग हमारे नॉन वेजिटेरियन साथी हैं वो नॉनवेज का ज्यादा उपयोग सर्दी में करते हैं, तो उनके पाइल्स की तकलीफ होती है, शुरू हो जाती या बढ़ जाती है। तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा पाइल्स, पहले हम आपको ये भी बता दें होता क्या है। बिल्कुल, होता क्योंकि क्या है, चीजें आप जानोगे तो आप उसके लिए फिर उपाय खुद भी ढूंढ सकते हो। पाइल्स आपका होता है जब आपका रेक्टम यानी कि जो आपकी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसको रेक्टम कहते हैं। जब इस रेक्टम में वेंस में सूजन आ जाती है, एक गुच्छा ऐसा बन जाता है, इसको पाइल्स कहते हैं। तो ये वेंस होती हैं जो स्वेल्ड होती हैं। अब आपके कॉन्स्टिपेशन रहा, आपने बहुत हैवी फूड खाया, कॉन्स्टिपेशन रहा, तो यह वेंस आपके स्वेल होती रही या बढ़ती गई, यही स्थिति को पाइल्स कहते हैं। अगर आपके पाइल्स है तो इसकी दवा है, होम्योपैथी में इसकी सबसे प्रीमियम दवा है सल्फर। सल्फर जो हमारे होम्योपैथी के जानकार श्रोता सुन रहे होंगे वो जानते होंगे इस बात को, सल्फर पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है। 1 mg यानी 1000 पावर में वीकली ले लें, और साथ में नक्स वोमिका और रेटेनिया, यह दो दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे आप ठीक हो गए। और एक चीज का पाइल्स के मरीज सावधानी रखें, रात का खाना जल्दी और हल्का, डिनर एज लाइट एज पॉसिबल और जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल, तो 8 बजे तक किसी भी तरीके से 8 बजे तक खाना खा ले। ये हम सबके धर्म में भी लिखा है, चाहे इस्लाम धर्म हो उसमें लिखा है कि 2 नमाजों के बीच में शाम को खाना खा लेना चाहिए, अपने यहाँ हिंदू धर्म में भी लिखा है कि जो है आपको खाना जल्दी खा लेना चाहिए, जैन धर्म तो सूरज डूबने से पहले ही खा लेते हैं। तो हर कोई अच्छा इशारा करता है, हम उसको कितना समझ पाते हैं ये हमारे कल्चर ही बदल गया है। हालांकि अब 2-3 प्रश्न मुझे और पूछने हैं, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बचा है, पता नहीं उन प्रश्नों का उत्तर मिल पाएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे श्रोतागण के प्रश्न हैं जो कि पिछले कई प्रोग्राम में पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर नहीं मिला है। पहली चीज एनीमिया, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लड़के और लड़कियों दोनों को ही, एनीमिया से क्या करें, किस तरीके से एनीमिक होने से बचाएं अपने आप को, और अगर एनीमिक है तो ऐसा क्या करें। देखिए अगर साथियों एनीमिया से आपको बचना है और एनीमिया नहीं भी है तो आपको वैसा बना रहना है, तो आपको लाइफ फूड्स के कंसेप्ट पे आना पड़ेगा। लाइफ फूड्स क्या होते हैं? लाइफ फूड्स होते हैं वो जो आप पौधे को काट दे, फसल से काट दे तब भी उनमें ग्रोथ हो। अच्छा। ऐसे कौन से पौधे? आप स्प्राउट्स चना, चना दालें, इन सबको आप जब अंकुरित कर देते हैं, जब आप इसको रख देते हैं किसी गीले कपड़े में भिगोने, एक दिन भिगोने के बाद अगले दिन गीले कपड़े में रख देते हैं, तो यहाँ अंकुरित होगी, इनकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, यही होते हैं लाइफ फूड्स। जी तो ये बर्गर कल्चर से अगर आप हटेंगे और आप लाइफ फूड्स के कल्चर पे आएंगे तो आपका अनीमिया स्वतः ही दूर हो जाएगा। और किसी को, हमारे श्रोता को सीवियर अनीमिया, अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन जिनका कम है, मान लो 5-6 किसी महिला को है, तो उनको 4 दिन में एनीमिया बढ़ाने की दवा होम्योपैथी में लेसाइथिन है। आप लेसाइथिन 3x पावर में आप जो है 2-2 गोली दिन में 3 बार ले ले, 4 दिन के अंदर आपकी जो RBC प्रोडक्शन की प्रीकर्सर स्टेज रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन होता है वह 4 दिन के अंदर हो जाएगा, यानी 4 दिन के अंदर आपका RBC प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लड़के लड़कियों दोनों को ही, दोनों ही इसका जो है लाभ ले सकते हैं, बहुत अच्छी दवा है और लाइफ फूड्स पर आइए। वाह, मैं तो पूछ सोच रही थी कि ये इसका जवाब पता नहीं हमें 2-3 मिनट में मिल पाएगा या नहीं, तो आपने वो भी आंसर दे दिया। एक और प्रश्न है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है, पता नहीं उसका आंसर या तो सफेद दाग हो जाता है। सफेद दाग यानी विटिलागो यानी ल्यूकोडर्मा, ये एक ही चीज है, पहले अपने श्रोताओं को ये बता दे, श्रोता विटिलागो और ल्यूकोडर्मा में ही भटकते रहते। बिल्कुल, सफेद दाग एक चीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, थोड़ा जटिल लोग है, होम्योपैथी में इसकी दवाएं हैं और बहुत अच्छी दवाएं हैं। मैं 2 दवाओं का नाम भी लेना चाहूंगा, हालांकि एक एक्सपर्ट, पहली दवा बैसिलिनम है, जिसको भी सफेद दाग हो हमारे श्रोता को, वो बैसिलिनम 1 mg की 1 खुराक वीकली ले सकता है। इसके अलावा आर्सनिक सल्फ्लेमम और सोरेलिया कॉर, 2 उसकी प्रीमियम दवाएं, 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप सफेद दाग को रोक सकते हैं। बाकी किसी कुशल चिकित्सक से मिलके आप इसका पूरा केस देकर इसकी दवा करें, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लगाने से इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अंदर दवा खाने से ही ठीक होगा। बहुत अच्छे से आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सच में हम जो कहते हैं ना कि कोई भी मर्ज हो,
उसका अगर उत्तर चाहिए तो डॉक्टर उमंग खन्ना जी से ही संपर्क करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने मैडम प्रोग्राम में सबसे आखिर के लिए सवाल रखा था, बहुत अच्छा। बीमारी हो ही ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो सबसे अच्छी चीज है। और मैं आपको बता रहा हूँ, रात में अपने घर में एक रिवाज शुरू कर दीजिए, कल्चर शुरू कर दीजिए मून मिल्क का। मून मिल्क यानी कि दूध, उसमें दालचीनी, उसमें हल्दी और उसमें शहद, इसको गर्म दूध आप रात में पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके नज़ला होगा ही नहीं और आपके इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने को स्वस्थ पाएंगे। अपनी मेहनत का पैसा आपको डॉक्टरों को जाके नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आज जो ये पूरा प्रोग्राम रहा एक घंटे का, उसमें बहुत जल्दी जल्दी आपने एक तरीके से पूरे साल भर में कैसे स्वस्थ रहे, ये इस थीम पर है मैडम कि हम गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, हम दुनिया के सबसे बड़े स्कूल के श्रोताओं के बीच में बैठे। तो क्योंकि श्रोता ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, तो श्रोताओं को क्लब करके गांधी जी ने जो ये गुलदस्ता तैयार करा है, इसमें हम लोग अपने इस हवन में हम भी अपनी एक आहुति दे सके, यह उसी के लिए प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमंग खन्ना, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं और नव वर्ष की एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात मैं छोटी सी और अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आप हम लोगों के साथ जुड़िए। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें डॉक्टर उमंग खन्ना उसका नाम है। यूट्यूब पर आप DRUMANGKHAANA टाइप कर दीजिए। उसमें आपको हर मर्ज का, हर रोग का घरेलू उपचार और होम्योपैथिक इलाज उपचार सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े और ये जो स्वास्थ्य का कारवा है आदरणीय श्री गांधी जी के नेतृत्व में, CMS कम्युनिटी रेडियो के नेतृत्व में, 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के नेतृत्व में, हम लोग इसको अनवरत जारी रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ का आज का अंक यहीं पे समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार। अभी लो, पर ठीक था, बिल्कुल मतलब सुपर फॉर्म।